वही खबर गडरा रोड से, जहां पटवारियों के पेन डाउन हड़ताल की वजह से पटवार घर में ताला लग गया है, जिसकी वजह से आम जनों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी बाड़मेर जिले के सीमावर्ती उपखंड गडरा रोड में पिछले कई दिनों से पटवार घर तालों में कैद है। पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर चले जाने के कारण राजस्व कार्यों एवं छोटे छोटे आमजनों के कार्यों में भी ग्रामीणों को भुगतनी पड़ रही है परेशानी। गडरा रोड उपखंड के सैकड़ों किलोमीटर दूर से पटवार घर पर आने वाले ग्रामीण छोटे छोटे कार्यों के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा पटवारी हड़ताल पर जाने के बावजूद किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इतना ही नहीं, गडरा रोड उपखंड कार्यालय के अधीन 23 पटवार मंडल है और 23 पटवार मंडल में से 15 पटवारी कार्यरत है। बाकी चल रहे पटवारियों का पदस्थापन नहीं होने से अतिरिक्त चार्ज के लिए कागजात भी पिछले एक महीने से तहसील कार्यालय में जमा करवा दिए गए हैं। वहाँ के ग्रामीण दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्र आवागमन रहित क्षेत्र के कारण छोटे छोटे कार्यों के लिए आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार साहब, ये पटवार घर जो काफ़ी है जो तालों में बंद है, और पटवार घर में जो पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर चल रहे हैं, तो क्या प्रशासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, या जब तक पटवारी नहीं आएंगे तब तक ये तालों में कैद रहेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था तो इसमें होना संभव नहीं है, क्योंकि पटवारी का काम तो पटवारी खुद को ही करना पड़ता है, सारा रिकॉर्ड उनके पास ही रहता है। तो पटवारी का भी 4 तारीख तक कलम डाउन हड़ताल चल रही है, संभावना है आज शाम तक उनकी वार्ता है, शायद इसका निष्कर्ष निकल जाएगा, हो सकता है हड़ताल खत्म हो जाए। गडरा रोड तहसील में कितने पटवार का? गडरा तो टोटल 23 पटवार मंडल है, वर्तमान में काफ़ी पद खाली है और 15 पटवारी अभी LRC सहित काम कर रहे हैं। 15 पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है? हाँ, अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। अतिरिक्त चार्ज के लिए तो पहले ही पटवारी बहिष्कार कर चुके थे, और जो पटवारियों का ये भी कहना था कि पूर्व में ये भी कहा था कि हमने बस्ते है जो तहसील मुख्यालय पर जमा करवा दिए गए हैं, तो क्या वो रैकेट तहसील मुख्यालय पर ही जमा है या उनको अतिरिक्त चार्ज वालों को ही दिया हुआ है? नहीं, जो अतिरिक्त चार्ज का काम था वो उन्होंने पहले से ही अतिरिक्त चार्ज के बस्ते तहसील कार्यालय में जमा करवा दिए थे, तो वो अभी तक तहसील कार्यालय में जमा है, और मूल जो सर्किल थे उनका अभी पेन डाउन चल रहा है। अभी जब दो पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर चल रहे हैं, जैसे कि आम जनता के कुछ छोटे छोटे कार्य जैसे जमाबंदी नकल है, गिरदावरी नकल है, या म्यूटेशन वगैरह, नामांतरण वगैरह है, या किसी पटवारी का प्रमाण पत्र या मूल निवास जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, तो उनका कार्य कौन देख रहा है? उनका कार्य तो हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहा है, उससे संबंधित पटवारी का काम है वो प्रभावित हो रहा है, बाकी काम चल रहा है, पटवारी का काम है वो तो। क्या नाम है आपका? किशन तामलोरिया। आज यहाँ पटवार करके आगे खड़े यहाँ पर, तो हम नकल लेने आए थे कई दिनों से, 15 दिन से धक्के खा रहे हैं, यहाँ पर कोई नकल देने वाला है नहीं, जमीन के रेंट मुक्त करना था वो, उसके लिए भी कोई है नहीं, तो यहाँ के आम मेरे साथ और भी कई लोग आते रहते हैं, पूरा दिन यहाँ ताला लगा पड़ा है, और सरकार के यहाँ पर तो कुत्ते और गधे बैठे रहते हैं यहाँ पर पूरा दिन। तो ये पटवारी कब से हड़ताल पर है? ये 10-12 दिन से यहाँ बंद पड़ा है पूरा मामला, ही कोई आते दिखता नहीं यहाँ पर पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल। सरकार क्या कर रही है? सरकार की वजह से आम और लोग परेशान है, अगर सरकार इनकी माते मांग मान लेती तो कुछ न कुछ लोगों को राहत मिलती, और अगर ऐसा रहेगा तो फिर आम आदमी बैंकिंग लोनिंग और नकल के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, तहसील में किसी को रेंट मुक्त करना है तो भी धक्के खा रहा है, किसी को जमाबंदी नकल चाहिए उसके लिए धक्के खा रहा है, यहाँ पर सब लोग परेशान हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम तेजा राम है, मैं किसान हूँ। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग आते हैं, हमारे को पूछते हैं, हमारे पास में दुकान है, वो बोलते हैं पटवारी कहाँ है, तो हम लोग कहते हैं भाई हड़ताल पे है, गवर्नमेंट हड़ताल नहीं मान रही है, इनकी इनकी मांगे माने तो लोगों को परेशानी ख़त्म हो जाए, और हमारे भी लोग लेना देना चालू हो जाए बैंकों में, और ऋण है वो बाकी पड़ा है, तो नकले कई बाकी पड़ी है, कई किसानों के वो काफ़ी दिनों से चक्कर मार रहे हैं, जिनके वो ऑनलाइन पैसे नहीं हुए हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के पैसे थे वो लोग नहीं हुए हैं, उस कारण से वो परेशान है, बूढ़े बूढ़े आते हैं बूढ़े, और यहाँ परेशान होकर वापस चले जाते हैं, इसलिए कृपा कर भाई सरकार को पटवारी लोगों की मांग को पूरा कराए, और हमारे यहाँ ये पटवार भवन खुले ताकि हमारा कार्य सिद्ध हो। ये जब से पटवार घर हड़ताल पर, पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर चल रहे हैं, उसके बाद में किसी प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था पटवार घरों में नहीं की है क्या? कोई नहीं कही, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आता है, आता कोई पूछते कहाँ है पटवारी, तो हड़ताल भी है,
बोल रहा कहाँ है पटवारी, लोग हड़ताल भी है। अब सरकार हड़ताल दे कर रही है, कोई चीज़ नहीं है, सरकार काम की नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और सारे भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और पानी के लिए बाहर गांवों में पानी नहीं है, वो भी आते हैं, बोले पटवारी घर जाओ, वहाँ जाके पटवारी को बोलो, बोल रहा ग्राम सेवक के पास जाओ, ग्राम सेवक बोल रहा तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार बोलता कलेक्टर के पास जाओ। आपका क्या नाम? मेरा राम नाम है। आप यहाँ जमीन में है कौन? आज के इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।